हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स पे मौजूद हैं। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव के होते हैं और बहुत तहजीब से दूसरों के साथ पेश आने वाले होते हैं। उसी के साथ साथ कुछ आड़ी रेखाएँ भी आप देख पाएंगे, कुछ ऐसी रेखाएँ इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं जिनकी वजह से थोड़ी अग्रेसिव नेचर हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही मिलनसार टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर इनकी फिंगर्स दर्शा रही हैं। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर गैप्स बहुत कम है। यहाँ पर पहले दो फिंगर्स में तो बिल्कुल भी गैप्स नहीं है, यहाँ पर आपको एक हल्का गैप नज़र आ रहा होगा। इस तरह के गैप्स अगर बहुत ज़्यादा हों तो नेटिव की मनी मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर गैप्स बहुत कम हो तो नेटिव की मनी मैनेजमेंट अच्छी रहती है। ज़्यादा गैप्स होने से नेटिव का स्वभाव थोड़ा खर्चीला रह सकता है। खासतौर पर जब इन फिंगर्स में गैप होता है तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। इस सूर्य फिंगर और मर्करी फिंगर की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों फिंगर्स में गैप होने से नेटिव का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर रहने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के रहते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो यहाँ पर इस फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बेशक सूर्य फिंगर से थोड़ी सी शॉर्ट लग रही है यह फिंगर, लेकिन थिकनेस में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है। गुरु की फिंगर यह कहलाती है और जिन लोगों की फिंगर यह थिक हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती हैं और साथ ही साथ काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज रहेंगी। एक अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बना पाने में कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो और काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर सबसे छोटी फिंगर को देखा जाए, जिसको हम कनिष्का या लिटिल फिंगर कहते हैं, वो फिंगर भी यहाँ पर लंबाई में अच्छी है। बेशक यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट है ये फिंगर। इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस तक नहीं पहुंच पा रही। अदरवाइज फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, लेकिन अगर यह फिंगर ज़्यादा लेंथ में हो तो और भी बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी शाई नेचर इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से रह सकती है, अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनके सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत, तीनों पर्वत काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यहाँ पर बुध जो है, मरकरी है, वो लो सेट हो रहा है। और बुध पर्वत का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। अगर हम मरकरी माउंट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजअप में देखेंगे तो छोटे साइज की कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिन रेखाओं का इस फिंगर के इस माउंट के एरिया के ऊपर होना अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर 6 से 7 हों तो नेटिव काफ़ी अच्छा हीलर हो सकता है। 2 या 3 रेखाएँ होने से भी हीलिंग क्वालिटीज नेटिव के भीतर आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं,
अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। और अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो यहाँ पर सूर्य पर्वत हल्का सा फ्लैट और दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। सूर्य रेखा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई रेखा यहाँ से नीचे से शुरू होकर इस पर्वत तक पहुंच जाए, यानी कि हमारी जो अनामिका उंगली रहती है, इस उंगली के नीचे तक अगर एक रेखा पहुंच रही हो, उसको सूर्य रेखा कहते हैं। जैसे यहां से भी रेखा इस तरह से पहुंचे, अगर ऐसी रेखा मौजूद हो तो यह रेखा व्यक्ति को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाने में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की किसी भी रेखा का कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इस रेखा के ना होने की वजह से और इस माउंट के हल्के से दबने की वजह से नेटिव को अपनी लाइफ में यश की कमी महसूस हो सकती है। एक बहुत ही छोटे साइज की रेखा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये भी बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। इसके साथ साथ ओवरलैपिंग से कुछ रेखाएं और हैं। अगर एक स्ट्रांग लाइन हो तभी नेटिव को बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिल पाता है। यहाँ पर थोड़ी सी यश की कमी यह अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। और अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो यह एरिया भी सूर्य पर्वत की भांति अंदर की तरफ दब रहा है। और इस पर्वत का दबना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं और इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम शनि रेखा की बात करें, जिस तरह से मैंने सूर्य रेखा के बारे में आपको बताया, उसी तरह से शनि रेखा हाथ में होती है। और ये रेखा ज्यादातर लोगों के हाथ में आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, नीचे से शुरू होकर यहां तक पहुंचती हुई। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी कंप्लीट लाइन होती है ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं। और जिन लोगों के हाथ में ये रेखा छोटी भी हो उनको भी यह काफी हेल्प करती है। जैसे आप यहां पर देखेंगे आपको इस एरिया से एक रेखा नजर आएगी जो बीच में से ओवरलैप्ड है लेकिन शनि पर्वत तक पहुंच रही है। इस तरह की रेखा का होना भी नेटिव को लाभ देता है, लेकिन खास तौर पर जब ऐसी रेखा हाथ में मौजूद होती है तो 35 और 36 की एज के बाद ही नेटिव को इसका लाभ मिल पाता है। और उसके बाद ही ऐसा व्यक्ति धन को एकमुलेट कर पाने में कामयाब हो पाता है। तो यहाँ पर कंफर्ट्स रहेंगी 35, 36 की एज के बाद कुछ बेहतरी, लेकिन बीच में कुछ रेखाओं का काटना थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी इनको दे सकता है। ओवरऑल शनि का दबना यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव रहेगा। इस माउंट के दबने की वजह से इन्हें थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष जिंदगी में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो यह एरिया आप देखेंगे ऊपर की तरफ उठा हुआ आपको नजर आएगा। उभरा हुआ यह माउंट व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और अपनी नॉलेज की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आपको बुद्धाजाई का एक चिन्ह नजर आ रहा होगा। इस तरह का चिन्ह जिसको बुद्धाजाई कहा जाता है या इसको हम यव का साइन कहते हैं, ये चिन्ह जिन लोगों के अंगूठे पर मौजूद होता है ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बहुत ही आसानी से लग जाता है, यानी कि इनकी पूर्व अनुमान लगाने की शक्ति काफी स्ट्रांग हो जाती है। अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक विष्णु सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जब हथेली में बनता है तो यह नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की देने में हेल्प करता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर यह विष्णु सिंबल बन रहा है गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करें, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह विष्णु सिंबल बन रहा होता है उन्हें हमेशा मैं यही सुजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी से काम करते रहें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की जरूर होगी। और आप देख सकते हैं हार्ट लाइन में से ही यह ब्रांच जो विष्णु सिंबल की है यह मंगल की तरफ बढ़ रही है। इस तरह का एरिया जो अंदर का यह एरिया रहता है इनर मार्स, जब भी हार्ट लाइन क्योंकि ब्रांच इस तरफ बढ़ती है तो यह नेटिव को अग्रेसिव नेचर का भी बनाती है। और इसी तरह की कुछ आड़ी रेखाएं हमें इनकी फिंगर्स के ऊपर भी नजर आई थी जिस वजह से एट टाइम्स इनका अग्रेशन बढ़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन के नीचे की तरफ चलने वाली ब्रांचेस की, तो अब देखेंगे काफी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस इनकी हृदय रेखा से निकलकर नीचे की तरफ चल रही हैं। ऐसी ब्रांचेस जो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देती हैं, ऐसी ब्रांचेस अगर काफी ज्यादा होती हैं तो नेटिव इमोशनल हो सकता है और इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कई बार करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। ऐसी ब्रांचेस होने से कई बार ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं रहती हैं।
बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप यहां पर देखेंगे इनकी लाइफ लाइन, और इसमें से इस तरह से माइंड की लाइन बीच में से इमर्ज होकर बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव को काफी अच्छा माइंड देता है, मेमोरी ऐसे व्यक्ति की शार्प रहती है। लेकिन यहां पर एक चीज और देखने वाली है कि इनके माइंड लाइन को कुछ रेखाएं जिसे हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं वो इनकी माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कई बार स्ट्रेस या तनाव का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी माइंड लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा, और यहां पर इनकी जीवन रेखा के ऊपर एक आइलैंड बन रहा है। इस तरह का आइलैंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब भी कोई रेखा इस तरह से एक यव जैसी आकृति बनाती है तो इसको आइलैंड कहा जाता है। जीवन रेखा पर इस तरह का आइलैंड का चिन्ह बनना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसकी वजह से नेटिव को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, खासतौर पर यहाँ 30s की एज में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाओं को यह आइलैंड का साइन दर्शा रहा है। अगर हम जीवन रेखा की लंबाई की बात करें तो आप देखेंगे काफी अच्छी लेंथ में है इनकी लाइफ लाइन, जिसकी वजह से जो इनकी एज है वो 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ इस तरह की एक लंबी जीवन रेखा आप देख सकते हैं इनके हाथ में, यहां से शुरू होकर लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, जो एक काफ़ी अच्छी जीवन रेखा है, जिसमें शुरू में आइलैंड होने से थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं और कुछ स्ट्रेस लाइंस का इस रेखा को क्रॉस करना भी थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देता है। लेकिन अगर आप देखेंगे मिडिल एज के बाद यह रेखा काफ़ी बेहतर होती हुई, जो इन्हें एक अच्छी हेल्थ देने में हेल्पफुल रहेगी। अगर हम बात करें इनके शुक्र माउंट की, अब यहाँ पर देखेंगे शुक्र का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे नेटिव को लाइफ में मिल जाती हैं। यह जो एरिया रहता है वीनस यानी शुक्र माउंट का रहता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कुछ वरीज अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में परेशानियाँ दे सकती हैं, कुछ ना कुछ चिंताएं अपनी फैमिली लाइफ में इन्हें परेशान करती हैं जब ऐसी स्ट्रेस लाइंस, ऐसी आड़ी रेखाएं शुक्र माउंट के ऊपर मौजूद हों। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र पर्वत के एक साइड का एरिया पर आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की लाइफ में काफ़ी सारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स रहती हैं, लेकिन ये रेखाएं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।